माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो हमारे कुछ ऐसे खूबसूरत वाइन पे है जिसको हम अपने गार्डन में लगाकर अपने गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। तो कुछ वाइन्स मैं आपसे शेयर करूंगी, वाइन के नाम, जिसे आप अपने गार्डन में लगा के अपने गार्डन की खूबसूरती को चार चांद लगा सकते हैं। और हमारा हिबिस्कस कलेक्शन में हिबिस्कस ब्लूम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो वाइन है वो है ये हमारा, देखिए, अल्मांडा। बहुत ही खूबसूरत वाइन है और हमेशा फूलों से भरा हुआ रहता है। एक बार आपका ये वाइन अच्छे से ग्रोथ कर गया तो समझ लीजिए इसमें काफ़ी सारे फ्लावर्स आते हैं। और बहुत ही खूबसूरत वाइन है समर का, जिसमें आप बहुत सारे फ्लावर्स ले सकते हैं। ये हमारा अक्टूबर तक ब्लूमिंग करता है और उसके बाद डोरमेंसी में चला जाता है और अगेन फरवरी से फिर से ये ब्लूमिंग करने लगता है। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर की वाइन है ये। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा अल्मांडा और सेकंड नंबर पे जो मैं बात कर रही हूँ वो है हमारा मधुमालती का। बहुत ही खूबसूरत वाइन ये भी है हमारा सेकंड नंबर का। और बिल्कुल कोई वॉल वगैरह कवर करना हो तो काफ़ी अच्छी ये वाइन है और काफ़ी कलर ऐड करता है। इसके फ्लावर्स में से एक भिनी भिनी सी खुशबू आती है जो बहुत ही अमेजिंग लगती है। तो बिल्कुल इस वाइन को भी आप अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं अगर आपको फूलों वाली वाइन पसंद है तो। और थर्ड नंबर पे देखिए, ये हमारा स्वीट पोटैटो वाइन है और ये भी बहुत ही जल्दी ग्रोथ करता है और एक कलर ऐड करता है, पर्पल ग्रीन सा, बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट कलर आपके गार्डन में ऐड करता है और बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही जल्दी ग्रोथ करता है और इसकी कटिंग भी बहुत ही ईजिली लग जाती है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगी। और इधर एक हमारा वाटर लिली और इस समय ये बंद हो रहा है क्योंकि एक नाइट ब्लूमर है तो अभी ये बंद हो रहा है मॉर्निंग के समय। और नेक्स्ट जो मैं थर्ड नंबर की बात कर रही हूँ वो है हमारा मॉर्निंग ग्लोरी। बहुत ही ब्यूटीफुल वाइन है, बहुत ही खूबसूरती से ब्लूम करता है, नंबर्स ऑफ फ्लावर आते हैं। आप मेरी मॉर्निंग ग्लोरी पे देखिए, मैंने कई सारी वाइन्स लगाई हैं और कितनी सारी ब्लूमिंग है इसमें, नंबर्स ऑफ फ्लावर्स हैं पूरे मेरे रेलिंग पे, बिल्कुल फ्लार ही फ्लार हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही अमेजिंग है। और एक बार आपने इसे अपने गार्डन में जगह दे दी तो समझ लीजिए इसके बीज गिर के खुद ब खुद कई सारे प्लांट्स नेक्स्ट सीजन के लिए खुद ब खुद रेडी हो जाते हैं। और इसकी सीडलिंग दो बार होती है, एक फैब में और एक इस समय भी रेनी सीजन में भी इसकी सीडलिंग होती है। और ये दो बार आपके समझ लीजिए पूरे साल ही आपके गार्डन में बना रहता है, सेल्फ सीडलिंग हो जाती है इसकी। और फोर्थ नंबर पे ये हमारा स्वीट, जिसे कहा जाए हमारा अपराजितम। तो बहुत ही खूबसूरत ये भी फ्लावर है और इसमें दो कलर आते हैं, एक हमारा पर्पल है और ये देखिए एक वाइट है। मेरे एक ही प्लांटर में दोनों ही लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और इसकी वाइन भी काफ़ी लंबी चढ़ जाती है और काफ़ी नंबर्स ऑफ फ्लावर आते हैं। बहुत ही खूबसूरत वाइन है, इसे भी आप अपने गार्डन में बिल्कुल जगह दीजिए। और इधर देखिए हमारा पिंक अल्मांडा कितने अच्छे से ब्लूम किया है, लगभग 4-5 फूल इसमें खिले हुए हैं आज। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट प्लांट की ओर और वो है ये हमारा गार्लिक वाइन। और अब इसका भी फ्लावरिंग का समय आ रहा है, अब देखिए इसमें भी धीरे धीरे फुटाव हो जाएगा और इसके जो फ्लावर्स हैं उसमें से भीनी भीनी सी गार्लिक की स्मेल आती है, इसीलिए इसे गार्लिक वाइन भी कहते हैं। और मैंने ये प्लांट अभी जल्दी लगाया है तो इसलिए मेरा प्लांट अभी ये छोटा ही है, इसे भी मैं एक किसी के सहारे से चढ़ाऊँगी किसी कॉर्नर में। तो बहुत ही खूबसूरत वाइन हमारा गार्लिक वाइन भी है, इसे भी आप अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है हमारा मोगरा, इससे तो आप सभी वाकिफ़ हैं। इसकी भीनी भीनी सी खुशबू बहुत ही अमेजिंग होती है और बिल्कुल
काफ़ी अच्छा स्मेल करता है, आपके गार्डन को बिल्कुल महकाता है। ये एक भीनी भीनी सी स्मेल होती है और आप इसे बिल्कुल गेट वगैरह पे लगाएं तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो जो हमारा नेक्स्ट प्लांट है मोगरा का, इसे भी आप अपने गार्डन में बिल्कुल एक क्रिपर के तौर पे जगह दे सकते हैं। और जो ये हमारा नेक्स्ट प्लांट है, अभी इसमें फ्लावरिंग तो नहीं है, आप देख रहे हैं मेरा प्लांट बहुत ही छोटा है। और ये है बिल्कुल जिसे ब्लीडिंग हार्ट वाइन कहते हैं, ये वो है, उसकी पिक मैं आपको दे दूंगी फ्रंट पे। तो ब्लीडिंग हार्ट वाइन की वाइन को भी आप अपने गार्डन में दे सकते हैं। और इसकी जो फ्लावर है बहुत ही अमेजिंग लगते हैं, वाइट कलर के फ्लावर होते हैं और उसमें रेड कलर से बिल्कुल आगे की साइड में निकला होता है, जिसे इसलिए इसका नाम ब्लीडिंग हार्ट वाइन है। बहुत ही खूबसूरत ये भी प्लांट है। तो नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है ब्लीडिंग हार्ट वाइन का, इसे भी आप अपने घर गार्डन में जगह दे सकते हैं। अगर आपको पसंद है क्रिपर वाले प्लांट्स, आप उसे लगाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस समय बरसात का मौसम, जो मानसून का मौसम है अगस्त सितंबर का, इस समय आप कोई भी प्लांट्स लेकर आए बिल्कुल नर्सरी में, वो आपके गार्डन में सर्वाइव कर जाएंगे। और ये सारे क्रिपर्स पेरेनियल हैं, आप इसे अपने गार्डन में एक बार लगा लेते हैं तो साल दर साल आपके गार्डन में बने रहते हैं। तो आप इसे बिल्कुल इस समय लाइए ताकि ये आपके गार्डन में इस समय काफ़ी अच्छे से सेट हो जाए इस मानसून के मौसम में। और फ्रेंड्स, फ्लावर्स की बात हो और गुलाब की बात ना हो तो ये हो नहीं सकता। और अगर आपको रोज़ेस पसंद हैं तो बिल्कुल ये वाइन वाले रोज़ेस आप लेके आइए। और ये बंचेस में फ्लावरिंग करते हैं, देखिए कितने सारे फूल खिले हुए हैं इस समय इस पर, तो बहुत ही अच्छा ये एक रोज़ वाइन है, इसे भी आप अपने गार्डन में बिल्कुल जगह दीजिए। ये देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ कितने सारे नंबर्स ऑफ फ्लावरिंग है इस समय मेरे ये रोज़ पे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा लग रहा है। ये देखिए कितने सारे फ्लावर हैं, एक साथ कई सारे फ्लावर खिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए इधर भी बंचेस ऑफ फ्लावर आए हैं, तो बहुत ही अमेजिंग ये हमारा रोज़ का वाइन है, इसे बिल्कुल अपने गार्डन में जगह दीजिए। इस समय सितंबर अक्टूबर का मौसम बेस्ट है अपने सारे ही प्लांट्स को लगाने के लिए। तो नेक्स्ट जो है हमारा ये रोज़ की वाइन। इसके बाद जो प्लांट की बात मैं कर रही हूँ वो है हमारा कृष्ण कमल की बेल। तो इसमें भी काफ़ी कलर्स वैरायटी आती है, रेड, पर्पल, वाइट, ये मेरा रेड कलर का है। और इस साइड में जो है ये पर्पल वाला है, आप इसमें देख पा रहे होंगे, तो एक फ्लावर जो है वो बिल्कुल आपको सूखा सा भी नज़र आ रहा होगा। तो बहुत ही खूबसूरत वाइन है और हमारे इपिक्स से भी जुड़ा हुआ है, ऐसे कौरव पांडव फ्लावर भी कहते हैं। और बिल्कुल आप इसे अपने गार्डन में जगह दीजिए, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट है ये और काफ़ी खूबसूरत लगता है हमारा, और एक भीनी भीनी सी खुशबू भी ऐड करता है आपके गार्डन में। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है वो है हमारा बोगेनवेलिया, और आप इसे एक अपने प्लांटर में भी ग्रो कर सकते हैं एज अ बुश। और आपका ये बहुत ही खूबसूरत वाइन का भी बहुत ही अच्छा वर्क करता है, अगर आप इसे दीवार को ढकना चाहें किसी भी। तो ये देखिए मेरे दो कलर हैं, एक ये पिंक में है और वाइट में है, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये हमारा बोगेनवेलिया एज अ वाइन। और नेक्स्ट जो है वो है हमारा ये क्लेमेटिक्स, ये भी बहुत ही अच्छा फ्लावर प्लांट है वाइन के रूप में और नंबर्स ऑफ फ्लावरिंग ब्लूम करता है। ये देखिए इसके फ्लावर्स, और आप इसे भी बुश के तौर पे ग्रो कर सकते हैं और एक वाइन के तौर पे भी ग्रो कर सकते हैं। आप इसमें देख पा रहे होंगे कितने सारे बर्ड्स बने हुए हैं नंबर्स ऑफ, और बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है ये हमारा क्लेमेटिक्स का भी। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्लांट की बात करूं तो ये देखिए हमारा टैकोमा वाइन, बहुत ही खूबसूरत है ये, इसने तो मेरे पूरे वॉल को कवर भी कर लिया है, बहुत ही खूबसूरत हमारा टैकोमा वाइन, इसे भी आप वाइन के तौर पे लगा सकते हैं। और साथ ही में है हमारा गोरी चोरी का भी पौधा, जो एक बहुत ही अच्छा वाइन कवर है, आप उसके साथ ही आप उसको देख पा रहे हैं, तो उसको भी आप एक वाइन के रूप में लगा सकते हैं। जो आप सबसे ऊँचा प्लांट देख रहे हैं वो हमारा गोरी चोरी का है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ वाइन थे जो मैंने अभी आपसे शेयर किए, जिसको आप बिल्कुल लगा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये आप चमेली भी लगा सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा वाइन है।
तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने मोगरे से भी ये बिल्कुल गेट अपना कवर किया हुआ है, बहुत ही अच्छा वाइन है। तो फ्रेंड्स ये कुछ वाइन थे जिसको मैंने आपसे शेयर किया है। फ्रेंड्स ये कुछ वाइन हैं जो जिनसे आप अपने घर आंगन को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये वीडियो और वीडियो का टॉपिक पसंद आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ अपने वीडियो का एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू।